ये गिवन है 3, 4, 1, 3, 2, 2, 4. इसको कह रहा है स्प्लिट करिए आप रेक्टेंगल फॉर्म में, एंड देन एरिया कितना है टोटल वो बताइए। रेक्टेंगल फॉर्म में बनाना है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे पॉसिबल है मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। देख लो, ये हुआ, ये 2 हुआ, एंड ये 3, 4। इसके 4 पार्ट हुए, 1, 2, 3, 4 पार्ट। इनके एरिया फाइंड कर लो और ऐड कर लो, हो गया आंसर। अब एरिया हम इसको कैसे फाइंड करें, देखो तो ये 3 टोटल था और ये ऊपर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, एंड ये टोटल 4 है। तो इसके अगर मैं पार्ट बनाना चाहूं तो ये इस टाइप का एक रेक्टेंगल बन गया जिसका हाइट 4 है और ये है 2, ये है 2। सेकंड को अगर मैं इसी में शो करूं ये वाला, तो ये कुछ ऐसे बना जो कि है इसका हाइट टोटल 4, 2, 6, एंड इसका जो टोटल 3 था तो ये कितना रह गया 2 निकलने पर 1। थर्ड पे चलो, ये इस टाइप का बनेगा जो कि है कितना, ये थर्ड में ये टोटल 3 था, 1 निकल गया तो कितना रह गया 2। ये लेंथ इसकी 4 है तो 1 निकल गया तो बचा कितना 3। ओके, फोर्थ में देखो, फोर्थ में ऊपर 2 रखा हुआ है और ये कितना है 4। रेक्टेंगल्स निकल गए, अब इनको क्या करना है आपको एरिया में फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ, तो एरिया इनके फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई थिंक सभी को मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है 4 × 2 इज इक्वल 8, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। सेकंड, 6 और 1, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट था ये सेकंड, कितना हो जाएगा 6 × 1, तो 6×1 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पे क्या है 2 × 3, तो एरिया ऑफ थर्ड, लेंथ इनटू ब्रेथ एज इट इज, जैसे मालूम है फॉर्मूले आपको, लेंथ गिवन है कितना 3 एंड ब्रेथ है 2, तो 3×2 = 6। नाउ लास्ट, एरिया ऑफ फोर्थ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, 4 × 2, 4 इज अ लेंथ एंड ब्रेथ इज 2, 4×2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने चारों डायग्राम्स को एरिया फाइंड कर लिया, बट हमें सेपरेट तो करना था रेक्टेंगल में, और इसका टोटल एरिया कह रहा क्वेश्चन में, तो सेपरेट फॉर्म में तो हमने फाइंड कर लिया, बट टोटल के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इनके एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ, लिख दो टोटल एरिया ऑफ फिगर, ऐड करना है 8 + 6 + 6 + 8 22 and 6 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर हम वर्टिकली नहीं करें हॉरिजेंटली करें तब भी आ जाएगा। हॉरिजेंटली में क्या होगा भैया, एक ये बन जाएगा, सेकंड ये बन जाएगा, थर्ड ये रेक्टेंगल बनेगा और फोर्थ ये। तो प्रॉब्लम कहां होती है, प्रॉब्लम बच्चों की होती है कितना इसका लेंथ है, लेंथ निकालने में। तो आपके पास डायग्राम है, मैंने ये चारों डायग्राम आपके पास रख दिया, इनको सेपरेटली फाइंड कर लिया और टोटल एरिया कितना है मालूम हो गया। ये वर्टिकल डायग्राम बना हुआ है जो बच्चों को काफी प्रॉब्लम करता है इस टाइप का कुछ, ये इसका एरिया फाइंड करना है, बट कंडीशन इज स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट। सो जो मेजरमेंट गिवन है 5, 3, 1, 3, 2 and 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेक्टेंगल फॉर्म में स्प्लिट करना है, देन उसका एरिया फाइंड करना है।
तो इसको स्प्लिट करें तो ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया वन, ये सेकेंड रेक्टेंगल और ये थर्ड। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूं, निकालना चाहूं अलग, तो एक ऐसे निकला फर्स्ट, एक ये आया सेकेंड, एंड थर्ड ये आया। तो सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट कितना है फाइव एंड टोटल ये है टू और टोटल कितना है थ्री, तो ये कितना रह जाएगा वन। इसका मेजरमेंट आ जाएगा वन एंड फाइव। फिर सेकेंड में ये टू गिवन है तो टू इंटू ये नीचे वन है, एज इट इज ये भी हो जाएगा। अब इसका क्या चाहिए आपको, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज अ फाइव एंड ब्रेथ इज अ वन, दैट विल बी फाइव, फाइव वन अ फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में मेजरमेंट है, क्वेश्चन में कह रहा है मेजर्स आर इन सेंटीमीटर। सेकेंड एरिया पे चले हम, एरिया ऑफ सेकेंड, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज गिवन टू एंड ब्रेथ इज अ, लेंथ इज गिवन टू एंड ब्रेथ वन, तो टू वन जा टू सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड, एरिया ऑफ थर्ड लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू इनटू वन, टू वन जा टू सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड टोटल एरियाज ऑफ द फिगर, तो टोटल एरिया, टोटल एरिया हुआ कितना बच्चों, फाइव प्लस टू प्लस टू, इफ वी एड फाइव टू सेवन टू नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो इस डायग्राम का आपका जो आंसर था वो आ गया नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, दीज आर थ्री रेक्टेंगल्स आर हियर, वन टू एंड थ्री, टू एंड थ्री बोथ आर सेम मेजरमेंट एंड एरिया, टू इंटू टू एंड टू, बट फर्स्ट इज अ फाइव इंटू वन, दैट विल बी फाइव वन जा फाइव, फाइव टू सेवन टू नाइन, टोटल एरिया इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर।